जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव के 90 की 90 सीटों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अभी तक जिन सीटों के नतीजे आए हैं, अगर मैं उसकी बात करूं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं, 23 सीटों के ऊपर अभी भी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती हैं, 39 के ऊपर लीड कर रही है। 42 का आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपने दमखम पर है। कांग्रेस 6 सीटों के ऊपर लीड कर रही है, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 सीटों के ऊपर लीड कर रही है, 1 सीट के ऊपर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, 1 सीट के ऊपर सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक, वो नौजवान जिस नौजवान ने डीडीसी बनकर पूरे जिले को हिला के रख दिया था, जिस नौजवान को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये बागी है और इस बागी का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो बागी बाजी पलट गया है। उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता गजे सिंह राणा को पटखनी दी है। खालिद नजीब सौरवर्दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े और ताकतवर नेता और जिला डोडा के इमाम, उन्हें भी पटका है और कांग्रेस के बड़े नेता रियाज अहमद को भी हराया है और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए अब्दुल मजीद वानी भी चुनाव में परास्त हुए। परास्त ही नहीं हुए हैं बल्कि चौथे नंबर पर आए हैं। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी यानी 48 का वो मैजिक आंकड़ा, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना कांग्रेस की मदद के नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय 47 पर खड़ी है। वो कैसे? 39 लोग वो हैं, 42 लोग वो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर चुनाव या तो जीत चुके हैं या जीत रहे हैं। और 7 आजाद उम्मीदवारों में से शुपियन से शबीर अहमद कुल्ले, इंद्रवाल से प्यारेलाल शर्मा, थानामंडी से जज मुजफ्फर इकबाल खान, सबको उन्होंने भौचक्का कर दिया है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुजफ्फर इकबाल खान कह रहे थे कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, वो हकीकत बनता नजर आया है। और मुजफ्फर इकबाल खान 6190 वोटों से 14वें चरण के बाद आगे थे और अब जानकारी यह मिल रही है वो चुनाव जीतने के पास पास हैं। बड़े धूमधाम भारतीय जनता पार्टी के मोहम्मद इकबाल मलिक हारने वाले हैं। उसके अलावा शब्बीर खान पूर्व मंत्री, वो भी हारने वाले हैं। उसके अलावा कमर चौधरी पीडीपी के बड़े नेता, उन वो भी चुनाव में नहीं परास्त कर सके मुजफ्फर इकबाल खान को। उनका कॉन्फिडेंस और उसके बाद उनका यकीन और विश्वास अपने ऊपर उनको कामयाब कर गया है। और उसके बाद सुरनकोट से 9474 वोटों से चौधरी मोहम्मद अकरम आगे थे, लेकिन अब समाचार मिल रहा है वो चुनाव जीत गए। मतलब ये कि 4 ये इंडिपेंडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्ड होल्डर रहे हैं, ये 4 जब आप 43 में जोड़ते हैं तो आंकड़ा बनता है 47। यानी 47 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर और सिर्फ मोहम्मद सिर्फ तारगामी की मदद से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार बनना तय। अगले मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के संभवता उमर अब्दुल्ला होंगे। और कोई जोड़ तोड़ करने की, कोई आकलन करने की, कोई नई इक्वेशन, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पड़ेगी। अपने दमखम पर एक मैसिव मैंडेट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है। और इस समय का एक और बड़ा उलटफेर जो है वो लंगेट से देखने को मिल रहा है। लंगेट में अब जाकर खुर्शीद अहमद शेख, जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं, वो अब 4129 वोट से आगे चल रहे हैं। और उसके अलावा कहीं पर भी अवामी इत्तेहाद पार्टी का ना तो झंडा नजर आ रहा है, ना डंडा नजर आ रहा है, ना अवामी इत्तेहाद पार्टी कहीं नजर आ रही है। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तूफान ने एक और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता सज्जाद गनी लोन चौधरी मोहम्मद रमजान से केवल 1412 वोटों से 9वें राउंड के बाद आगे हैं।
इमरान रजा अंसारी कहीं नजर नहीं आ रहे, अन्य कई और लीडर कहीं नजर नहीं आ रहे। यहां पर भी अगले तीन राउंड में अगर बाजी पलट गई तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरह तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कहीं इस तूफान में नजर नहीं आएगी। और इतना ही नहीं बल्कि इस मैंडेट ने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी बहुत बुरी तरीके से धराशायी कर दिया है। पीडीपी के केवल दो नेता जिसमें कुपवाड़ा से मीर मोहम्मद फयाज और पुलवामा से वहीदुर रहमान परा चुनाव जीते हैं, बाकी सभी नेता यक्के बाद दीगरे चुनाव हार रहे हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है उनके पास पांच सीटें उनके खाते में नजर आ रही हैं और इन छह सीटें उनके खाते में नजर आ रही हैं। इसमें जम्मू संभाग से केवल और केवल अभी तक रजौरी में कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, बाकी किसी सीट के ऊपर कांग्रेस जीतती नजर नहीं आ रही है। तो इस समय की बड़ी खबर कि साल 1996 में मैसिव मैंडेट मिलने के बाद साल 2024 में 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी की जनता ने, रजौरी पुंछ के लोगों ने दिया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि छह सीटों की अगर मैं बात करूं इसमें कंफर्टेबली सेंट्रल शाल्टेन, डूरू, वागूरा क्रीरी और ये तीन सीटों पर बिल्कुल कंफर्टेबल है कांग्रेस, और उसके अलावा रजौरी एसटी में भी कंफर्टेबल है। अनंतनाग की सीट कांग्रेस जीत चुकी है और वागूरा क्रीरी में भी लगभग सीट जीत चुकी है। निजामुद्दीन बट बांडीपुरा में जो 395 वोटों से 9 राउंड के बाद आगे चल रहे थे, कोशिश करूंगा कि उनकी इस समय की स्थिति क्या है वो भी आप तक पहुंचाऊं, उस्मान मजीद से वो 995 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर इसी यही ट्रेंड रहा तो निजामुद्दीन भट्ट कांग्रेस के मैंडेट पर यहां से चुनाव जीत जाएंगे। मगर जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं, वो उसके बाद अपनी पार्टी में गए और अपनी पार्टी में किश्तवाड़ से बड़ी ब्रेकिंग, शगुन परिहार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के धुरंधर और एक बड़े नेता सज्जाद किचलू को चुनाव में हरा दिया है। बहुत बड़ी खबर है। यानी किश्तवाड़ में पाडर नागसनी बीजेपी, किश्तवाड़ बीजेपी जो हमारा पहले भी आकलन था, इंदरवाल अभी भी वहां पर लड़ाई जारी है, डोडा आम आदमी पार्टी, बदरवा बीजेपी, डोडा वेस्ट बीजेपी, रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बनिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में मुकाबला, शगुन परिहार चुनाव जीत गई है। यानी पूरा जम्मू संभाग में जितने जिले हैं उन जिलों में, मेजॉरिटी जिलों में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया है। और वहीं घाटी ने मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को, रजौरी पुंछ नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अब देखना यह होगा कि जब सरकार बनती है तो कैसे जम्मू के उन जिलों को नुमाइंदगी नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया है। तो इस समय की बड़ी खबर कि सज्जाद किचलू चुनाव हार गए हैं और शगुन परिहार चुनाव जीत गई हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर बिना कांग्रेस की मदद के जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है, इसकी संभावनाएं बढ़ गई।